नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि वायरिंग डायग्राम समझने वाले हैं, पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल की पावर वायरिंग। जी हाँ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि पावर फैक्टर कंट्रोलर जो होता है वो कंट्रोलर की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से होती है, और ये वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी डायग्राम के साथ। अगर पावर फैक्टर पैनल आप बना रहे हैं कंट्रोलर के साथ, तो उसमें पावर वायरिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या इक्विपमेंट आएंगे और किस तरह से इंस्टॉलेशन इसका होगा। और हाँ, इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दोनों डायग्राम से समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल वीडियो भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पावर वायरिंग किस तरह से की जाती है, कहाँ से पावर दिया जाता है और कहाँ तक जाता है, किस तरह से इसका वर्किंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो ये पावर फैक्टर का कंट्रोल पैनल है उसमें इनपुट सप्लाई पावर कहाँ से दी जाती है। तो ये रही हमारी इनपुट सप्लाई, यानी कि यहाँ से आपको जो अपना मेन पैनल बोर्ड है, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड है, उससे 3 वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लोड के हिसाब से बड़ा सा MCCB आएगा, MCCB में पावर आएगा, MCCB ऊपर से यहाँ से पावर जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये यहाँ पे जा रहा है, तीनों फेज है, यहाँ से तीनों फेज आगे यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से देखिए ये डिवाइड हो गया। इसी तरह से अगर मेन चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की बात करूँ तो मेन MCCB एक आएगा, फिर यहाँ पे MCCB आएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्टर आएगा और यहाँ पे पावर फैक्टर बैंक यानी कि कैपेसिटर बैंक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पावर यहाँ तक गया, यहाँ से पावर कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ से एक वायर इसके साथ साथ यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे फिर MCCB आ गया, जैसे कि आपको दिख रहा है MCCB की ड्राइंग मैंने यहाँ पे की है। फिर MCCB से होके पावर आया हमारा कॉन्टैक्टर में। यहाँ पे MCCB की क्यों ज़रूरत है भाई, अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कैपेसिटर बैंक में तो यहाँ पे कोई थर्मल ओवरलोड रिले नहीं लगाया हुआ है। ज़्यादातर पावर फैक्टर बैंक में थर्मल ओवरलोड रिले का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लोड के हिसाब से MCCB यहाँ पे डाल दिया जाता है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो MCCB ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के 2 टर्मिनल यहाँ पे आएंगे, A1 और ये A2। ठीक है, A2 टर्मिनल यहाँ पे आएंगे, ये A2 टर्मिनल। ठीक है, A1 A2, ये पावर एक कॉमन आएगा और दूसरा जो हमारा है वो पावर फैक्टर कंट्रोलर से यहाँ पे वायर आएगा। ये कंट्रोल वायरिंग की बात है जो मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है, वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम किस तरह से किया जाता है, ये पावर वायरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर आ गया, जब हमारा पावर फैक्टर का कंट्रोलर है, कंट्रोलर जैसे ही कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा तो कैपेसिटर बैंक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कॉन्टैक्टर से, कॉन्टैक्टर ऑलरेडी कनेक्ट है यहाँ पे MCCB से, और MCCB कनेक्ट है मेन MCCB से, और मेन MCCB से जो वायर निकल रहे हैं वो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये पूरा वायरिंग इसी तरह से होता है। अब दूसरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेम टू सेम है, MCCB कॉन्टैक्टर और ये पावर फैक्टर बैंक यानी कि कैपेसिटर बैंक। तो जितने भी आपका पैनल बोर्ड, जितने भी लोड का है, जितने भी उसमें कैपेसिटर बैंक है, हर एक कैपेसिटर बैंक के अंदर ये सिस्टम आएगा, पावर फैक्टर बैंक यानी कि कैपेसिटर बैंक, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्टर, और फिर यहाँ MCCB और मेन MCCB। यहाँ पे 2 और लगाना है तो यहाँ से आप वायर लेके उसमें लगा सकते हैं। आई होप के पावर फैक्टर पैनल बोर्ड का पावर वायरिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर कोई भी आपका डाउट है इस वीडियो में तो प्रैक्टिकल वीडियो में क्लियर हो जाएगा, मैं जल्दी से प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।